हेलो लो या फ्रेज़ दो लॉर्ड मैं हमेशा बताता हूँ यह नरसिंगा बेदारी की अलामत के तौर पर बजाया जाता है शुक्र गुजार आज हम और जोशवा टी वी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सबों को खुदा युसु मसीह में सलाम पेश करते हुए दुआ करते हैं आप सबों की सलामती हो तो आज पास्टर तारिक जॉन और मिसेस सारा तारिक गुड मॉर्निंग विद जोशवा टी वी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम शुक्रगुजारी करते हैं जब हम बाइबल मुकदस की शख्सियात में से देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं और पुराने आदना की बहुत अहम तीन शख्सियात अब्राहम के मतलब हमने सीखा इसहाक के मतलब और आज हम याकूब के मतलब सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले सारा हम याकूब के मतलक सीखें तो आप क्या कहेंगी कैसे एहतियात करनी चाहिए सुबह लोगों को सर्दी में जी हाँ जिस तरह हम गुजशत में आपको बता रहे हैं कि सर्दी की आमद आमद है और मौसम सर्द होने की वजह से हमें कुछ एहतियातें करनी है ताकि अपने आप को भी बचा सके अपने बच्चों को भी महफूज रख सकें और खुदा जो है हम उसकी भी तज़ीम इज़्ज़त और तक्रीम कर सकें बेहतर तौर पर जब हम सेहतमंद तो तंदरुस्त रहेंगे तो हम खुदा को बेहतर तरीके से जलाल दे सकते हैं शुक्रगुजारी करते हैं और मैं आपसे कहूँगा आप जोशुआ टी वी को फेसबुक पर भी जोशवा टी वी ओ आर जी इसको लाइक करें दूसरों को भी बताएं और ये प्रोग्राम्स जो हैं जोशवा टी वी ओ आर जी पर भी आ रहे हैं और ये प्रोग्राम्स जो हैं ये यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं और जोशवा टी वी के नशरियात को आप यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं आप जोशवा टी वी लिखें कैपिटल हरूफ में साथ पास्टर तारक जान लिखें या जोशु टी वी पाकिस्तान लिखें तो आप यूट्यूब पर हमारे देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों चीज़ों को भी बताएं और उसको बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाले प्रोग्राम से आप वाकिफ़ हो जाएं तो फिर आप खुदा युस मसीह में और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कलाम को और सीखेंगे बरकतें पाएंगे और हम इस प्रोग्राम में बीमारों के लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आप अगर बीमार हैं आपके अजीज़ बीमार हैं उन्हें के इस इन प्रोग्राम्स को देखें यूट्यूब में देखें और चैनल पर देखें सेटेलाइट पर देखें और उनको कहें वो गर्दिश पर ट्यून नहीं किया उन्होंने चैनल तो वो उसको ट्यून करें खुद अमदाप आपको बरकत दे तो आइए आज हम जो बड़ी तीन शख्सियात हैं मैं उनके मतलब बात कर रहा था बड़ी आम शख्सत में से आज हम इब्राहिम इसहाक और तीसरी बड़ी शख्सियत याकूब है जब हम पुराने आदनामे को देखते हैं तो ये तीनों जो शख्स हैं ये बड़े मालदार हैं और इब्राहिम का बेटा इजहाक इजहाक सैकूब और सऊ पैदा हुए तो आज हम तीसरी शख्सियत के मतलब देखेंगे अगरचे इनकी ज़िंदगी में तीनों की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं कोई कमी देखते हैं तो भी खुदा का मनसूबा इनकी ज़िंदगी से पूरा होता हुआ देखते हैं और यही फजल है यही खुदा की हमायत है कि अगरचे हमारी ज़िंदगी में कुछ कमियाँ भी हों तो भी जब हम खुदा से प्यार करते हैं खुदा की राह पर चलने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तब खुदा हमें अपने मनसूबे के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है और यही खुदा का फज़ल है और यही खुदा की हमायत है अगर इंसान इतना कामिल होता कि तो वो खुद से कुछ कर सकता तो फिर शायद वो समझता उसे खुदा की ज़रूरत नहीं है लेकिन इंसान के अंदर जो कमियाँ हैं वही उसे एहसास दिलाती हैं कि उसे खुदा की ज़रूरत है और खुदा का फज़ल और हमायत हमेशा उसके साथ रहती है तो जी सारा ये कहानी कौन से शुरू होती है जी अगर नाजरीन आपने पिछला प्रोग्राम जो है अगर उसको ग़ौर से सुना हो देखा हो तो फिर आपको इस बात का इल्म होगा कि किस तरह इजहाक जो है उसकी बीवी रिपका जो है वो 20 साल तक बांझ रही और फिर जब इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की तो ख़ुदा ने रहम किया उस जोड़े पर और ख़ुदा ने उन्हें औलाद रास के तौर पर दी और ये जो कहानी है इसाऊ और यकूब की यह पच्चीसवें बाप से शुरू होती है और पच्चीसवें बाप की अगर हम आ, आ, देखें सत्ताईसवीं आयत छब्बीसवीं आयत बल्कि पच्चीसवीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगी और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पशमीना और उन्होंने उसका नाम इसाऊ रखा उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ इसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक साठ बरस का था आमीन आमीन तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब और इसाऊ की कहानी शुरू हो जाती है जैसे बताया सारा नबी के किस तरह से उनकी कहानी शुरू होती है पैदाइश की किताब में पहले दौर में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो अपने नाम की तरह नाम का मतलब एड़ी पकड़ने वाला या जो मैं इसको यूँ कहूँगा लामती नाम जो था वो था वो धोखा देता है जो तो इसकी ज़िंदगी के तीन अदवार थे तीन अद्वार में पहला दौर वो था जब वो ए सौ से पलोठा होने का हक लेता है और उसे भूख लगती है सौ को और इसने दाल बनाई होती है और वो आता है और वो लाल लाल दाल देखता है और भूख से तड़पता है और उस वक्त सऊ खुदा के इस मंसूबे की अकारत करता है खुदा जब पलोठा होने का हक उसको देता है तो ये बहुत बड़ा जाज़ था चूँकि पलोठा मरास में जो है वो ज़्यादा हिस्सेदार और उसका ज़्यादा हिस्सा था तो लेकिन ये बरकतें भी वो ज्यादा थी ऑटोमेटिकली तो वो क्या करता वो पलोठा होने का हक बेच देता है यकूब तो पहले दौर में यकूब जो है अपनी जिंदगी के पहले दौर में वो सऊ से पलोठा होने का हक खरीदता है तो विशली जब वो पलोठा होने का हक खरीद लेता है तो फिर जो बरकतें पलोठे को मिलनी थी वो उसको मिलनी थी इसीलिए मैंने कहा लामती तौर पर उसे कहा जाता है जो धोखा देता है लेकिन असल में उसके नाम का मतलब एड़ी पकड़ने वाला ही है तो उसने अड़ौगा देकार जिसको हम कहते हैं वो उसने उसको उससे बरकत ले ली तो इस दौर में वो फिर उसके नतीजे में जैसे मैंने बताया जब माँ बाप सारा बच्चों में तफरीक करते हैं तो हमने है। क्या सीखा कि वो बच्चों के दरमियान नहीं खानदान के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं माँ बाप ने तफरीक पैदा की तो यकूब जो है वो माँ का प्यारा था और सऊ जो है वो बाप का बाप का प्यारा था और इस तरह जब माँ बाप ने तफरीक की बच्चों में तो ख़ानदान के लिए और बच्चों के लिए भी मुश्किल बनी और जब हम यकूब की ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं तो उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक खुदा का हाथ हमें नज़र आता है खुदा की कुदरत नज़र आती है खुदा का मनसूबा नजर आता है और जो कुछ खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा खुदा फिर यकूब पर ज़ाहिर होता है वो सारे वादे फिर दोहराता है तो जब हम आगे जा के देखते हैं तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ तीन अदवार की मैं बात कर रहा हूँ यकूब की ज़िंदगी के तीन अदवार थे पहला दौर वो जब वो पैदा हुआ और उसने सऊ से पलोठे का छीना और वह भाग गया और रास्ते में खुदा उससे नजर आया और उसने वो जब पत्थर अपने सराहने रखा और सो गया तो वहाँ पर खुदा उस पर ज़ायर अपना आप करता है और वहां पर वो एक ख्वाब देखता और सीढ़ी देखता जुबीन से आसमान पर लगी है ये सीढ़ी पेशन गोई है यीशु मसीह की फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं कि खुदा इंसानों से मुलाकात करेगा और खुदा इंसानों के दरमियान रहेगा हालेलुया ये वही अमानुएल खुदा हमारे साथ रहेगा तो वो सीढ़ी वो देखता है और उस सीढ़ी से फरिश्ते उतरते चढ़ते देखता और फिर वहाँ पर उस पत्थर वहाँ खड़ा करके दुआ करता है और वहाँ पर वो कहता है ये खुदा का घर है यकीनन ये बैतेल है, खुदा का है। का और फिर से आगे बढ़ता है तो फिर उसकी जिंदगी का दूसरे दौर में जिंदगी असर होता, होता है और उसका करदार शुरू हो जाता है और लाबन के हाँ वो मेहनत करता है भेड़ बकरियां चलाता है तो लाबन उसको कहता है ठीक है मैं तेरी मजदूरी के तौर पर अपनी बेटी तुझसे ब्याहूंगा चूंकि उसे राखल पसंद है लेकिन उससे धोखा मिलता है जी हाँ। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं यकूब ने धोखा दिया तो आप ये कभी सोचे उसे कितने धोखे मिले खुद जिंदगी में खुदा हिसाब जारी रखता है बराबर रखता है।, है और अगरचे खुदा उसके साथ था लेकिन खुदा उसे फिर सिखाता रहा कि तूने इस तरह बरकत नहीं लेनी थी ये धोखा जब होता है तो किस तरह तकलीफ़ होती है तो उसका ससुर उसे धोखा करता है राखल की जगह लिया उसे देता है फिर उसके लिए सात साल और वो मेहनत करता है फिर उसे लिया राखल का रिश्ता उससे होता है राखल मिलती है तो फिर उसकी मजदूरी रख लेता है उसका मामूलाबन और फिर वो क्या करता है फिर खुदा उसकी हिमायत करता है

वो उसी तरह के बच्चे भी हुए फिर तो वो बकरियां जब जाती उन छड़ियों को देखती जैसे मैंने इब्राहिम के मुतल कहा वो सितारों को देखता इब्राहिम और सारा और वो उसे आए बाप कह कर पुकारते इसी तरह ये एक ईमान का कनेक्शन था जिस तरह देखे कि जीब्रा जो है वो उसकी स्ट्रिप्स बनी होती हैं जी वो ये बच्चे बाकी तो एक रंग के थे लेकिन जो यकूब को मिले वो धारी पैदा हुए कैसे उन छड़ियों को देख दे कर जब वो पानी पीती बकरियां उनको देखती और यकूब का ईमान उसमें शामिल था जो कुछ खुदा ने कहा तो जब लबन उससे धोखा देता है तो वो फिर भी खुदा का इंतजार करता है खुदा की आवाज़ का और छः साल तक और ठहरा रहता है वो भागना चाहता है लेकिन खुदा की आवाज़ का इंतज़ार करता है यकूब यहाँ खुदा की रानाई यकूब की जिंदगी में हम देखते हैं तो वो जो है बच्चे जो है वो फिर पैदा होते हैं और खुदा उसे बरकत देकर वहां से निकालता है आज मैंने कहा ये इस साइंसदानसूल को इस्तेमाल कर रहे हैं साइको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किस तरह का बच्चा चाहते हैं या किस तरह चाहते हैं उस तरह लिखे या उस तरह की तस्वीर लगाएं और उसे या हमने बुजुर्गो से या अपने बड़ों से ये सीखा है कि जो कुछ माँ जो है वो हामला होने के अमल के दौरान सुनती है करती है वही आदात वही अतवार या जो कुछ वो खाती है वही उसके बच्चे के अंदर वो आदात जो है ये है। तो ये भी साइंटिफिक साइंस ने से प्रूफ कर हाँ। तो यहाँ पर बात ये है कि ईमान की बात हम कर रहे हैं तो ईमान जो है वो बरकत देता है यकूब को वो, वो एक असूल है ईमान से बरकत लेने का और मैं हमेशा कहता हूँ खुदा के असूलों पर कायम रहे कल मैं तमसील पर कलाम सुना रहा था संडे को तो मैंने कहा तमसील जो हैं वो कोई सबक मोज़ बात है उसमें या उसमें रूहानी असूल पाए जाते हैं तो जब हम रूहानी असूलों पर अमल करते हैं फिर हम बरकत पाते इन करदारों को सीखते हुए हम बहुत सारे रूहानी रानमा असूल सीखते हैं तीसरे दौर फिर तीसरा दौर शुरू होता है और तीसरे दौर में यकूब जो है उसका आमना सामना यबूक की घाट पर खुदा से होता है और वहाँ वो खुदा से कुश्ती लड़ता और बरकत लेता है और फिर वह बरकत इंसान के तौर पर उसका नाम तब्दील हो जाता है और वो इंसिस करता है कुश्ती करता है और अपनी बरकत लेता है ताकि आपसे उस कोई अड़बंगे बाज ना कहे और उसे कोई धोखेबाज ना कहे बल्कि वो उसका नाम बदल देता है खुदा और उसने कुश्ती लड़ी खुदा से और उसका नाम इसराइल रखा गया इसराइल का मतलब है खुदा का शहजादा तो ये शहजादा बन जाता है वहाँ से तो वो बरकतें जो बोली गई हैं वो अब हम उसकी ज़िंदगी में देखते हैं ऐसा से सुलह करता है और वो किस तरह स्ट्रेटजी बनाता है अपने भाई से सुलह करने के लिए और फिर वो खुदा उससे बढ़ाता है बरकत देता है और, और किस तरह से खुदा उसकी ज़िंदगी में फिर काम करता आगे और आखिरी दौर में खुदा उसको किस तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है बाकी के तो वो फिर जाता है वहाँ यूसुफ जब मिस्र को जाता है उस, उसका बेटा तो फिर वहाँ पर वो यूसुफ के पास जाता है और वहाँ वो जो है वो फिर उनको भी बरकत की दुआ देता है तो हम बहुत सी बातें याकूब की जिंदगी से सीख सकते हैं बहुत से रान मासूल आ, उसकी शादी

हमें अगर हम खरूज की किताब का मुताया करें तो उसमें हमें पता चलता है मुसा मुसा की शादी खरूज दूसरे बाब में की शादी भी कुएं पर तय हुई तो बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं फिर छोटे को बड़े पर सबकत की बात जब होती है तो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है मुखदस दाऊद भी वो छोटे थे लेकिन बड़ों पर सबकत हुई इसका मतलब ये हमारे मनसूबे नहीं खुदा, खुदा के मनसूबे हमारी जिंदगी में कामयाब होते हैं याद रखिएगा इसलिए अपने आप को खुदा के मनसूबे के नीचे रखें आप यकीन बरकतें पाएंगे और बरकतें आपकी हैं जो लोग अपने आप को खुदा के मनसूबे में रखते हैं वो जरूर बरकतें पाते हैं जी सारा और पेदाइश अट्ठाईस मुहमे करतेहाक की बरकतें तो जब हम अट्ठाईसवे बाप में अः का मुताया करते जी हैं जी। तो उसमें हमें याकूब की बरकतों का भी जिक्र मिलता है और वो वही है जो खुदा ने इब्राहम को दी वही मिली और बढ़ाऊंगा और तुझे जमीन दूंगा और, और तेरी, तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा और फिर आगे आके खुदा कहता है तेरे वसीले से सबको मैं बरकत पाएंगी।, बरकत पाएंगी जब हम अठाईस बाब पढ़ते हैं उसमें ये सारी बरकतें और खास तौर पर मैं तेरे साथ हूँ अठाईस बाब की जब हम पंद्रहवीं आते मुकदस पढ़ते हैं या बड़ी खूबसूरत बात है मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरी आमदोरफ्त में तेरे साथ हूँ और मैं जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको उस मुल्क में फिर ले आऊँगा और फिर तुझे नहीं छोड़ूंगा कभी हालेलुया और यही यही बात ईमानदारों के लिए एक बड़ी खुशी की एक नवीद कह सकते हैं आप वो जब इसको पढ़ते हैं हम बरकतों को तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कुछ लोग कहते हैं जी ये दुआएं कर रहे हैं तो इन दुआओं का शायद कोई फायदा ना हो लेकिन आज ईमानदारों के लिए मैं ये पैगाम छोड़ूंगी कि अगर आपके बुजुर्ग आपके दादा या आपके बाप ने जो दुआएं की हैं आप उसका फल खाएंगे और अगर आप भी उसी खुदा की राह पर चलना शुरू हो जाएंगे तो, तो आपके होंगी। आने वाली नस्लें भी होती है ट्रांसफर होती है और मल्टीप्लाई होती रहती आ, सारा ने कई मल्टीप्लाई होती रहती है मुझे याद आया जब याकूब बरकत देने लगा यूसुफ को तो उसने कहा कि तेरे तेरे बाप बाप की की बरकतें दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा तो हालेलुया मल्टीप्लाई होती रहती है जब हम खुदा के साथ चलते हैं अगर आपके बाप चलता था खुदा के साथ आप चल रहे हैं तो आपके बच्चों पर मल्टीप्लाई होके आएंगे आगे वो चलेंगे और मल्टीप्लाई होंगी इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कहता हूँ कि बरकत वाले लोग बने खुदा के कलाम की पैरवी करें आपकी नस्लें बरकत पाएंगी तो नाजरीन यकूब की ज़िंदगी के इदवार के बाद जो सवालात आज मेरे दिल में या सारा के दिल में उठे हैं मैं चाहता हूँ हम आपसे वो शेयर करें और ये बड़ी आम बात है कि क्या खुदा ने अपना आप कभी आप पर या है और जब खुदा ने अपना आप, आप पर कभी जाहिर किया है तो आपने क्या महसूस किया है और खुदा किस तरह पर अपना करता है क्यों सारा खुदा किस तरह जी करता हाँ है खुदा जो है ख्वाब में और रोया में खुदा हमसे हम कलाम होता है तो अगर हम आ... खुदा के पास पान जो है तो उस वक्त भी वो पैगाम जो दिया जाता है वो शख्स ये समझे के बन के बन ये कलाम मेरे लिए है तो जब वो कलाम हम अपने दिल में लेते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल लाते हैं जब तक हम अमल नहीं करते खुदा के कलाम पर तब तक वो ला हासिल है सारी मेहनत तो जब आप कलाम पढ़ते हैं खुद उस वक्त भी जब खुदा जाहिर करता अपने आप को हम देखते हैं खुदा ने मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को ज़ाहिर किया लोगों पर और एक शख्स बलाम पर अपने आप को जब जाहिर किया तो गदी बोली हाँ। और फरिश्तों के वसीले जाहिर किया और जैसे भी सारा ने कहा ख्वाब में रोया में और खुदा ने मूसा से ग्रूबरू गुफ्तगु की ऐसे वाक्यात हमें मिलते हैं खुदा आज आपसे भी अम कलाम होता है मुख्तलिफ तरीके हैं खुदा के जराए हैं लेकिन वो मुख्तलिफ इन जरियों को इस्तेमाल करता है और आज सबसे बड़ा जरिया खुदा का कलाम है जैसे सारा ने कहा जब कोई खादम कलाम सुनाता है वो हमारी जिंदगी में ताज़ा रहमा बन जाता हम सोचते हैं ये तो मेरे लिए और ये मेरे सवाल का जवाब है तो जब आप कलाम पढ़ते हैं खुदा आपसे बोलता है और जब हम खुदा उस कलाम को जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें दुआ करनी चाहिए कलाम पढ़कर और खुदा उनको मौका देना चाहिए खुदा पाकरू को मौका देना चाहिए कि वो हमारे साथ बोले और खुदा फिर हमसे बोलता है और खुदा जो कहता है जब आप उसकी बात मानते हैं उसकी रानमाई को लेते हैं तो आप यकूब की तरह बरकत पाएंगे और ये बड़ी आम बात है और सारा मैं हमेशा कहता हूँ जब याकूब जवान था तो वो खुदा को अपने ताबे करना चाहता था लेकिन जब बैर सभा से मिस्र तक का सफर जो उसने किया उसमें उसका ईमान बढ़ता गया और अब वो खुदा के ताबे होना सीख गया है, है ले लुया तो उसने एक सौ साल को उम्र पाई उसके बारह बेटे और एक बेटी पैदा हुई और मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी हम जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं याकूब से गलतियां हुई लेकिन खुदा की हमायत तो उसके साथ इसलिए थी कि वो खुदा की बात का मंतज़र हुआ मरद ईमान हो गया उसने सीख लिया तो याकूब जो है वो अब जब हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी में तो इसराइल के बारह कबीलों का जदमज बन गया है और मरद ईमान है इब्रानियों ग्यारह बाब में ईमान के सुरमाओं में उसका जिक्र आता है और वह वक्त के साथ साथ अब खुदा के तबे होना सीख गया है और यही बात हमारे ईमान को तकवीत देती है हमें यकूब की जिंदगी से सीखना है पहले वो अपने जोर बाजू से सब कुछ करना चाहता था फिर वो खुदा के ताबे हो गया और पहले वो मालसमाप इकट्ठा करने वाला था सिर्फ उसकी दुनिया ही थी लेकिन फिर वो समझ गया कि खुदा बरकत दे तो कि की की बरकत मिलती है आल्या, तो आल्या, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ यकूब की जिंदगी से कि मुझे और आपको खुदांद के साथ चलना है वक्त के साथ-साथ हमें सीखना है और बड़ी खूबसूरत merkezi आयत जो है इसकी वो मैं चाहता हूँ सारा पढ़े सारा merkezi आयत पढ़े इसकी फदाईश 28 बाब और उसकी 15वीं आयत में फदाईश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदा का कलाम यूं फरमाता है और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझ उस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोडूंगा तुझे नहीं छोडूंगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक कैसी खूबसूरत बात है खुदा के सच्चे वादे जब हम वही जो इब्राहिम से किए इशाक के साथ और याकूब के साथ के तो साथ ये, साथ ये वादे जब हमारी जिंदगी में पल-पल हमारा साथ निभाते हैं और जब हम इस वादे को देखते हैं सारा तो हमारा दिल खुशी से क्यों भर जाता है इसलिए कि यीशु मसीह ने भी उसके वादे सच्चे हैं और बरहाक हैं यीशु मसीह ने भी ये वादा हमसे किया और यीशु मसीह ने यह वादा हमसे हमारे लिए छोड़ा और कहा कि मैं अब से लेकर दुनिया के क्या करता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ यीशु मसीह हमारे साथ है ये बाइबल मुकदस इसीलिए कीमती है मैं शुक्र करता हूँ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा का यह जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए इसीलिए कीमती है बाश से बरकत है क्योंकि इसके में लिखे हुए सच्चे वादों को खुदा पूरा करता है और यसु मसीह ने उनकी तस्दीक कर दी है आज अगर आप किसी तरह के भी हालात में से गुजर रहे हैं आप समझते यकूब की तरह आपके साथ धोखा हो रहा है या आपके साथ परेशानी हो रही है या आपका हक मारा जा रहा है या बड़ी मुश्किल में से हैं आप आजमाइश में से गुजर रहे हैं मुझे सारा वो नहीं भूलता यकूब का यबूक के घाट पर खुदा से कुश्ती लड़ना कैसी लोनलीनेस थी कैसी तनहाई थी वहां पर कैसा सुनाटा था और किस तरह वो परेशान था और वो अकेला वहां पर फिर रह गया और उसने लेकिन उस वक्त खुदा उससे मिला आकर कभी कभी हमें तन्हाई में दुआ करना बहुत जरूरी है और मैं खुदा के खादों से भी जितने खुदा के सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा तन्हाई में दुआ करना बहुत ज़रूरी है आपकी खुदा से मुलाकात का वक्त होगा वो यहाँ पर यहाँ पर पास्टर साहब की बात को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगी जब लोग मुश्किल में और परेशानी में गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो खुदा की बात को सुनते नहीं बल्कि वो दूर होते जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद इस इस वक्त खुदा हमारी नहीं सुन रहा लिहाजा उस तक हमारी दरखास्तें नहीं पहुँच रही हमारी दुआएँ नहीं पहुँच रही हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा तो वो मायूस और दुखी होकर क्या करते हैं वो दुआ करना छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ पर जिस पास्टर साहब ने कहा कि याकूब जो था वो परेशान भी था उस सन्नाटे में, में अकेला भी भी था लेकिन तब उसने उसने क्या किया उसने दुआ की और खुदा से मदद की और खुदा उसकी मुलाकात हुई मुझे एक गीत बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है कि मौसम बदलते हैं पल पल मौसम बदले हैं हमने देखे हैं हालात तो बदलते हैं लोग बदलते हैं लेकिन यीशु कभी नहीं बदला हमारा खुदा कभी नहीं बदलता और ये सुसी कभी नहीं बदलता पल पल उसके वादे हमारा साथ निभाते हैं तन्हाइयों और खौफ की वादी में तेरे वादे साथ निभाते हैं उसके वादे आपका साथ निभाएंगे खुदम ये सुसो मसीह में बड़े बढ़ते रहें कायम रहें और वो आपके हमेशा साथ रहेगा और वो आपको बरकतें देगा और ये बरकतें आपकी नस्लों के लिए होंगी खुदांद आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सबों को बड़ी बरकत दे तो नाजरीन अभी हम पहले दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जी और फिर हम आ, आपके लिए भी दुआ करेंगे जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं जो शोर टीवी को देख रहे हैं आगे उसके आगे बैठे हुए हैं बैठे रहे हैं हम आपके लिए दुआ करेंगे अभी और अपने सरों पर हाथ रख ले हम आपके लिए भी दुआ करेंगे और इन दरखास्तों के लिए भी जी सारा इन दरखास्तों को पहले पढ़ा जाए जी आ... हम आपके शुक्रगुजार हैं कि दूर नज़दीक शहरों से इलाकों से जो आप हमें दरखास्तें एस एम एस भेजते हैं या यहाँ पर आकर पर्सनली जो है ग्रेस कॉस्पल चर्च रावलपिंडी आकर पास्टर साहब को या दुआया टीम को जो आप दरख्वास्तें अरसाल करते हैं हम आपके लिए दुआगो रहते हैं और हम खुदा से आपके लिए हमेशा आपके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं अभी जो दरख्वास्त आई है वो है तस्नीम अख्तर की उनके लिए दुआ की जाए ताकि खुदा उनको सेहत और तंदरुस्ती अता करे और इनके जो बच्चे हैं और इनके जो शोहर हैं उनको भी खुदा सेहत और तंदुस्ती अता करे और दूसरी बात यह है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके शोहर का जो ज़रिया माश है उसमें खुदा बरकत दे और बेहतर तौर पर उनके माली हालात जो है वो बेहतर हो जाए और यूनस मसीह है उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ की जाए कि खुदा उनकी पूरी फैमिली जो है उसको बरकत दे और ये शायद रूहानी और का के लिए दरख्वास्त दी गई है पास्टर सैमसन जो है उनको शुगर है उनके लिए दुआ की जाए कि खुदावंद अपने खादिम को जो है वो शिफ़ा से हमकनार करे शहजाद खोखर को भी शुगर है और इनके जिसम में दर्द है इनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद इनको शिफा बख्शे ये जितनी दरखास्तें हैं हम उन पर के लहू को मांगते हैं और जितने लोग अभी जशो टी वी के सामने बैठे हैं वो अपने हाथ अपने सरों पर रख लें पास्टर साहब उनके लिए और इन दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जी आइए ये दुआ करते हैं आसमानी बाप इन दरखास्तों की तरफ पहले अपने हाथ हम बढ़ाते हैं दोनों yes. यीशु मसीह के नाम में खुदम तेरे कादिर नाम में दरखास्तों पर तेरे लहू की धाराएफाएंगे दरखास्तें भेजी हैं और भी जो लोग इस वक्त दरखास्तें लेकर अपने दिल में बैठे हुए हैं उनकी दरखास्तों पर तेरा बड़ा वाह हाथ आए और खुदा उदम दुआ करते हैं शुगर की बीमारी चली जाए रूहानी बरकते आए बीमारियां चली जाए और खुदा हर तरह तेरे लोग बहाल और सरफराज हो खुदा मन पाक खुदा मैं दुआ करता हूं भी उन लोगों के लिए खादमा के साथ मिलकर यीशु मसीह के कादर नाम में कदूस और पाक खुदा हम दुआ करते हैं कि जो बीमार है, वो शिफा पाए। शुगर की बीमारी चली जाए हार्ट अटैक बीमार की बीमारी चली, 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 चली जाए हार्ट के प्रॉब्लम की बीमारी चली जाए कैंसर की बीमारी चली जाए खुदावंद दिमाग की बीमारियां चली जाए कानों की बीमारियां चली जाए बैरापन चला जाए की मौसम बीमारी खुदा कदुस खुदा दुआ करते हैं मौसमी बीमारियां चली जाए और खुद

खुदा हम तेरे कलाम में, कुदरत, कुदरत, तेरे में है। कुदरत है तेरे नाम में कुदरत है तेरे नाम से मांगते हैं है खुदा हम तो अपने कुदरत को जाहिर कर और खुदा खुदा दुआ करते हैं अपने लोगों को शिफा दे खुदा खुदा पाक खुदा तो शाफी है खुदा जिनका धारनी चवाला मारा गया फालज है फाल यूसी के नाम में फालज की बीमारी से शिफा पाए बहाल हो उनके बदन और तेरा नाम छाए खुदा पा खुदा हाँ जी छोटी बड़ी आंत के लिए भी दुआ करता हूँ उसकी बीमारियां आंतों की चली जाए और खुदा उन खुदा जिनको यूरन का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में वो प्रॉब्लम चला जाए औरतों की पुष्शिदा बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम में और हर तरह के गायनी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम में चले जाएं जो बांझ औरतें हैं खुद हम दुआ करते हैं उनको औलाद दे खुद हम औलाद की बरकत दे शंदाला रावा कामान रावा मर्दों औरतों और पर रहम कर और भनसपन की लानत उनकी जिंदगी से चली रहं, जाए रहं, रहं। और खुदा उन दुआ करते हैं अपने लोगों को घेर ले खुदा उन खुदा जिनको एलर्जी की बीमारी है एलर्जी चली जाए जाइए मसीह के नाम में हर तरह की बीमारियां चली जाए, चली जाए। खुदा, खुदा फालच चला जाए खुदा दबलीस का नपाक गंदा जादू टूने की तस्रें छोड़ दे जादू ऐने की तस्रेंसुम मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़ दो और खुदा तेरे लोग शिफा पाए लकवे की बीमारी चली जाए मसीह मिर्गी की बीमारी लौकी चली, चली जाइए से से शिफाए जा बरकतें जा जारी हो और उन तेरा नाम चलाल पाए खुदा खुद खुदा अपनी कुदरत से अपने लोगों को घेर और जब ये बदनी तौर पर शिफा याबों रूहानी तौर पर बरकतें पाए yes. रूहानी तौर पर रूहानी में ने आगे ले चल और तेरे साथ बंदे रहें कलाम पढ़ने में वक्त दें कलाम सुनने में वक्त दें इबादत yes. और ज्यादा करें तेरी और ज्यादा खुदम तेरी प्रस्तश करें चलते फिरते गीत और रूहानी गजलें गा गा सकें और तेरे नाम को जलाल दें और ख़ुदा तेरा नाम चला जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें भेजी है फज्लकार कर्ज की लानत उनके खानदानों घर से कर्ज की लानत चली जाए उसके लिए यीशु मसीह मसी के नाम करें कर्ज की लानत के लिए दुआ करते हैं कर्ज की लानत चली जाए सूद के कर्ज की लानत चली जाए और खुदा तेरे लोग शिफा पाए और यहाँ आकर रावल पिंडी गवाही देखो खुदा कारोबार में बरकत दे खुदा कलिस पाए ये और खुदा तुम बरकते दे अपने फजल को जाहिर कर अपनी मेहरबानी को जाहिर कर और जिन जवान बेटे बेटियों के रिश्ते नहीं होते यसुमसी के नाम में उनके रिश्तों की रुकावट चली जाए और खुदा तेरा नाम चला पाए खुदा शादी तेरा मनसूबा है उस उसके लिए हम दुआ करते हैं तो उनकी मदद कर और खुदा तेरा फजल जाहिर हो खुदा उनको अपनी रहमत से घेर ले खुदा उन तेरा नाम चलाल पाए ये सब कुछ आज हाँ हम मांगते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 खुदा यीशु आपको बरकत दे खुदा उन हमेशा आपके साथ है उसका वादा है और उसके सच्चे वादे को अपनी ज़िंदगी में लें उसके वादे पल पल मैंने कहा आपका साथ निभाते रहेंगे खुदा खुदम आपको बरकत दे स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग विद जोशवा टीवी गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू